नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से शिक्षा मित्रों से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट, कोई भी न्यूज़ सबसे पहले आप लोगों को दी जाती है। यदि आप चाहते हैं कि शिक्षा मित्रों से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट हो, कोई भी न्यूज़ में सबसे पहले मिलती रहे, तो आपको छोटा सा काम करना होगा, चैनल सब्सक्राइब कर लेना होगा, साथ में आपको बेल आइकन प्रेस कर देना होगा, जिससे मेरे द्वारा डाली गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी और आप मेरे वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएंगे। साथ में आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देगा, जिससे वीडियो की जानकारी सभी भाई बहनों तक पहुँच सके। 16 दिसंबर का ये ट्वीट मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के एक नेता ने इनको जवाब दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सदन में कहा कि आंगनबाड़ी आशा बहुओं, शिक्षा मित्रों, अन्य निदेशकों के लिए सम्मानजनक मानदेय बढ़ाया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ये बात हो गई। यहाँ पर नीचे का एक ट्वीट और दिखा देता हूँ। उदय सिंह हैं, महोदय शिक्षा मित्रों का मानदेय मात्र 2000 रुपये की वृद्धि करना कहाँ तक उचित है? क्या 2000 बढ़ती महंगाई के लिए पूर्ति कर सकेंगे? हाई पावर कमेटी, तमाम विभाग, मंत्री की सलाह केवल छलावा था। शिक्षा मित्रों ने सम्मानजनक मानदेय मांगा था, प्रसाद नहीं। दोस्तों यहाँ पर तो हो गया, लेकिन मैं इस ट्वीट को दिखा रहा हूँ जो अमिताभ अग्निहोत्री ने किया था, और ये कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों, बेरोजगारों की आवाज़ उठाते रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, यहाँ पर राजीव राय हैं जो जवाब दे रहे हैं अमिताभ अग्निहोत्री को, कह रहे हैं सही का 3 महीने बाद समाजवादी सरकार में बढ़ेगा। दोस्तों कहीं ना कहीं सम्मानजनक ये वादा इन्होंने भी कर दिया है, संजीव राय ने, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी बहुत ज़्यादा अखिलेश यादव की बात को आगे बढ़ा रही है कि कहीं ना कहीं निर्णय ले लिया गया होगा कि शिक्षा मित्रों का भी मानदेय बढ़ेगा, आशा बहुओं का भी, अनुदेशकों का भी, ये सबसे बड़ी बात है। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ट्वीट भी किया है, रिट्वीट भी किया है, लेकिन ये चीज़ देखने को मिल रही कि जितना ज़्यादा समाजवादी पार्टी, शिक्षा मित्र हो गए, बेरोजगारों को लेकर बात कर रहे हैं, उतना ही सत्ता पक्ष के लोग इस चीज को बिल्कुल भी नहीं उठा रहे हैं। ये देखने वाली बात है।